आपके घर के लिए ये ज़रूरी पौधे हैं, इन्हें अपने घर में ज़रूर लगाइए। ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करेंगे, वास्तु के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी हैं। और ये पहला पौधा है सिंगोनियम का पौधा, एक बेहतरीन इंडोर प्लांट है जिसे लोग ताज़ी हवा के साथ साथ अच्छी किस्मत के लिए भी घरों में रखना पसंद करते हैं। माना जाता है कि यह हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर से सभी प्रकार के तनाव और चिंता को दूर करता है। इसका वानस्पतिक नेम सिंगोनियम पोडोफाइलम है और इसकी छोटी सी कटिंग भी अभी आप लगा सकते हैं, इसे घर में ज़रूर लगाएं। अगला पौधा है ये फाइलोडेंड्रॉन का पौधा। यदि आप वास्तु में विश्वास रखते हैं तो ये मान करके भी इन पौधों को लगाइए, और यदि आप अपने इंडोर प्लांट के लिए कुछ पॉजिटिव एनर्जी देने वाले, ऑक्सीजन लगातार प्रोड्यूस करने वाले प्लांट ढूंढ रहे हैं तब भी आप इन प्लांट को अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। इन पौधों को दक्षिण पूर्व के कोने पर रख सकते हैं, छोटी सी कटिंग लगा सकते हैं, और ऐसी मान्यता है कि ये पौधे हवा में मौजूद जहरीले गैसों को शुद्ध करते हैं, आपके घर के वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं और आपके मानसिक तनाव और टेंशन को दूर करने में मदद करते हैं। अगला पौधा है रबर प्लांट। रबर के पौधे को घर के भीतर लगाना यानी इंडोर ग्रो करना शुभ माना जाता है। यह पौधा घर में शुभता का संकेत देता है। इसे घर के बाहर लगाने की अपेक्षा भीतर ऐसे जगह पर लगाइए जहां फिल्टर्ड सनलाइट हो। मैंने बालकनी में ऐसे जगह पर रखा है जहां पर धूप कम आती है और 1 घंटे या 2 घंटे की धूप मिलती है तो इस पौधे के लिए बहुत है। पूरे दिन के सनलाइट में इसकी पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में यह पौधा लगा हुआ होता है वहाँ की आर्थिक समृद्धि, धन और उस घर में रहने का व्यापार और नौकरी में सफलतापूर्वक तरक्की मिलती है। अगला पौधा है एरिका पाम का पौधा। ये एरिका पाम या फिर पाम की जितनी भी वैरायटी होती है इसे अपने घर में ज़रूर स्थान देना चाहिए। एरिका पाम को आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं। ये एक आप यूँ कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाला पौधा है। वैसे तो सारे पौधे ऑक्सीजन देते हैं लेकिन कुछ पौधे रिकमेंडेड हैं नासा द्वारा, जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अगला पौधा है मनी प्लांट का पौधा। इस पौधे को कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर के सदस्यों में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके बजाय मनी प्लांट को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए क्योंकि ये दिशा भगवान गणेश की दिशा मानी जाती है। इसे घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि मनी प्लांट के पत्ते ज़मीन पर फैले हुए नहीं होने चाहिए, नीचे की तरफ नहीं गिरने चाहिए, हमेशा ऊंचाई पर ही जाना चाहिए। अगला पौधा है होली बेजिल यानी कि तुलसी जी का पौधा। ये हर घर में होना चाहिए। सुबह तुलसी जी को जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा में आप इसे लगा सकते हैं। तुलसी जी में कभी भी गंदा जूठा पानी नहीं डालना चाहिए। जोड़े में इस पौधे को लगाना और भी शुभ माना जाता है। तुलसी जी के पौधे के पास किसी भी कांटेदार पौधे को ना लगाएं। बाकी सारे खुशबू वाले पौधे आप आसपास लगा सकते हैं। तुलसी जी को छोटे बड़े किसी कंटेनर में ग्रो किया जा सकता है। इस पौधे को सूखने से कैसे बचाना है ये देखने के लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि तुलसी जी को हरा भरा किस तरीके से आप बना करके रख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा जहाँ भी लगा होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। अगला पौधा है ये स्नेक प्लांट। ये बड़े छोटे किसी भी तरीके कंटेनर में लगा सकते हैं। मैंने बॉटल में लगाया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में स्नेक प्लांट सही दिशा में रखा जाए तो ये आपके लिए तरक्की के द्वार खोल सकता है। इस पौधे को आप घर की दक्षिण, दक्षिण पूर्व या फिर पूर्व दिशा में रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि स्नेक प्लांट को कभी भी डायरेक्ट धूप में ना रखें। ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर हल्की हल्की धूप आती हो। स्नेक प्लांट को आप अपने किचन में रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं, वॉशरूम में रख सकते हैं। किचन में जब हम खाना बनाते हैं और जब भी सब्जी या कोई चीज़ छोंकते हैं और जो धुआं निकलता है, जो एग्जॉस्ट फैन में जाकर चिपक जाता है, उस धुएं को भी अवशोषित कर लेता है। अगला पौधा है एंथूरियम का पौधा। ये एक आप कह सकते हैं शेड लविंग प्लांट है। शेड में ये फ्लावरिंग करता है और घर के हवा को शुद्ध करता है, पॉजिटिव एनर्जी लाता है क्योंकि इसे हम फिल्टर्ड सनलाइट में लगाते हैं। घर की खिड़की, दरवाजे पर, आप कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन हो वहाँ लगा सकते हैं। और ये पौधा वास्तु के अनुसार आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। अगला पौधा है जिजी प्लांट। ये पौधे वास्तु के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं और घर के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनके बारे में आप और जानकारी पढ़ सकते हैं, मैंने भी पढ़ करके ही आप
आपको ये चीज़ें बताई हैं। ये जो जीजी प्लांट है ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है, और क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो आपको कुछ ऐसे शेड लविंग प्लांट्स ज़रूर अपने घर में लगाने चाहिए जो वास्तु के हिसाब से भी ज़रूरी हों और आपके घर के वायु को भी ठीक करें। और यह है जेड प्लांट। जेड प्लांट के बारे में बहुत ही डिटेल में वीडियो कई बार मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। ये एक लकी पौधा होता है और ऐसी मान्यता है कि इसे घर में लगाने से सुख समृद्धि सौभाग्य आता है। आप क्रैसुला का पौधा भी लगा सकते हैं। अगला पौधा है पान का पौधा। पान का पौधा आप अभी अपने घर में लगा सकते हैं, सालों भर रहने वाला पौधा है, लेकिन बेहतर है कि आप इसे ज़मीन में ना लगा करके कंटेनर में लगाइए, बहुत आसानी से लग जाता है। पान के पौधे को नमी ज़्यादा चाहिए। वास्तु के अनुसार अपने घर में पान के पत्ते का पौधा लगाने से अच्छी ऊर्जा, शांति और धन प्राप्त हो सकता है। पान के पत्ते भाग्यशाली होते हैं और ये देवी लक्ष्मी से जुड़े हैं जो धन और प्रचुरता की देवी हैं। पान के पौधे को बहुत आसानी से आप अपने घर में लगा सकते हैं। पान के पौधे को ईस्ट यानी कि पूर्व के दिशा में लगाइए। घर में आंगन हो तो वहाँ, नहीं तो बालकनी में, वहाँ लगाना आंशिक धूप में, यानी कि शेड लविंग प्लांट है, धूप नहीं चाहिए इस पौधे को, तो आप फिल्टर्ड सनलाइट में इसे लगाइए। वास्तु के अनुसार घर के लिए ये लकी प्लांट्स होते हैं। और भी बहुत सारे प्लांट्स मैं शेयर करती रहती हूँ जो आपके घर के लिए ज़रूरी हैं। सारे नहीं तो कम से कम एक दो प्लांट्स तो आप अपने घर में लगा ही सकते हैं। बस ये मान्यता रखिए कि पेड़ पौधे ही जीवन हैं और इन पौधों को घर में लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इन पौधों की केयर कैसे करनी है इसके लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जा सकते हैं या फिर प्रयास बालकनी गार्डन पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।